हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जयपुर ब्लॉग नंबर 2। एंड अगर चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरे साथ वीडियो के थ्रू जयपुर घूम सके। तो हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर जयपुर के हवा महल में, जो कि काफ़ी फेमस ही। आपको मैं दिन का लुक दिखा रही हूँ। दिन में सिर्फ हमने बाहर से वैसे विजिट किया था और रुके नहीं थे, सिर्फ खाली हमने गाड़ी से ही आप इसको देखा था। बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे के लिए जल महल की तरफ निकल गए थे और हमने यहाँ पर एक गाइड किया था जिसमें पूरा पिंक सिटी के बारे में, जयपुर के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि कैसे वो, उसका नाम पिंक सिटी पड़ा और क्या क्या यहाँ के फेमस चीज़ें हैं, सब कुछ उसने हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से गाइड किया था। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं जल महल देखने, तो चलते हैं साथ में और देखते हैं जल महल। तो गाड़ी पार्क हमने यहाँ पर कर दी है और फिर आप यहाँ पर आ गए हम लोग जल महल देखने। आप लोग देख सकते हैं कितना क्राउड है, वर्किंग डे है, लेकिन अभी हॉलीडेज चल रहे थे, दिवाली के वेकेशंस, तो इस वजह से काफी टूरिस्ट थे यहाँ पर में और लोकल वेंडर्स भी थे जो कि अलग अलग अपने शॉप लगाए हुए थे। तो यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हैं ये है जल महल, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था, पानी के अंदर था और नाइट में और खूबसूरत लगता है। यहाँ पर भी हम लोगों ने गाइड किया था, उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हमें जल महल के बारे में, सब कुछ इसे डिटेल से बताया। काफ़ी सारे हमने यहाँ पर फोटोज़ वीडियोज़ बनाए एंड बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी प्लेस थी और व्यू बहुत अच्छा था, आप लोग देख सकते हैं। आई होप कि आप वीडियो के थ्रू यहाँ पर इसे इंजॉय कर रहे होंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे इस तरीके से व्लॉग आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो गाइड ने बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर मैं बताया जल महल के बारे में और कुछ सिनेमेटिक शॉट्स लिए यहाँ पर, तो आप लोग ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग 1-1.5 घंटा रुकने के बाद यहाँ से निकल गए। एंड यहाँ पर जयपुर में मैंने देखा है कि काफ़ी सारे अलग अलग स्पॉट पर कबूतर है जहाँ के दाने डालने की व्यवस्था है, तो यहाँ पर भी हमको कुछ स्पॉट दिखा था जहाँ पर काफ़ी सारे कबूतर है, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे जयपुर में मैंने बहुत जगह देखा है जहाँ पर इस तरीके से कबूतर है और दाने की व्यवस्था वहाँ पर में है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर कुछ मैंने जो लोकल मार्केट है उसे एक्सप्लोर किया। यहाँ का जो फेमस चीज़ है, वुड का मिरर है, पैन है, डायरी है, की चेन्स है, विंड चैम्स है, सब कुछ अलग अलग जो वुड के बने हुए थे, इन लोगों के हैंडमेड होते हैं। ये देख सकते, छोटी सी खटिया है, कैमल है। एंड उसके बाद में यहाँ पर यहाँ की जो जयपुर की फेमस जूतियाँ हैं और फुटवेयर्स है, वो सब यहाँ पर देखे थे और कुछ परचेज भी किए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्प्राउट्स लिए थे और फिर उसको खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर पिया था लेमन वाटर, और क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही थी दिन दिन में, सुबह शाम में तो यहाँ पर जो वेदर था काफ़ी ठंडा था, बट दिन में जो दोपहर का टाइम था उसमें थोड़ी सी गर्मी लग रही हम लोगों थी। ने जल महल देख लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं खजाना महल। तो यहाँ से है, आप लोग देख सकते हैं ये खजाना महल। गाइस, हम लोगों ने एंट्री कर ली है खजाना महल। यहाँ पर पर पर्सन का टिकट है 350 रुपीज़। अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है तो टिकट लगेगा, 5 साल से छोटे के ऊपर टिकट नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 टिकट लिए 1400 की। तो हम लोगों ने खजाना महल में एंट्री की और कुछ इस तरीके का यहाँ पर व्यू दिखा हमें, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर था, ग्रीनरी थी एंड काफ़ी सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर थे। खजाना महल बहुत कम लोगों को आई थिंक पता है। जो गाइड है उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पर जाएं। एंड यहाँ पर म्यूजियम में हम लोगों का अलाउ नहीं था शूट करना, बट जो बाहर बाहर शूट किया मैंने वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। म्यूजियम बहुत सुंदर था, बहुत एंटिक ज्वेलरीज थी अंदर। और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पॉट, अगर आप चाहते हैं बनाना हैंडमेड पॉट तो आप बना सकते हैं, हम लोगों ने भी यहाँ बनाए थे। और आप इस पॉट को लेके अपने घर भी जा सकते हो। तो बहुत मज़ा आया था यहाँ पर, सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग अपने पॉट बना रहे थे जैसा, और बहुत इन्जॉय किया ऐसे भी। तो खजाना महल में जो अंदर म्यूज़ियम है उसमें एंटिक ज्वेलरी से स्टोन्स के बारे में यहाँ बताया है, जो अलग अलग जेम्स उसके बारे में बताया गया। एंड फिर यहाँ पर राम सेतु फ्लोटिंग स्टोन्स आप लोग देख सकते हैं, ये है राम सेतु फ्लोटिंग स्टोन। इसे इस तरीके से कवर्ड करके रखा था जो कि पानी में फ्लोट कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जो स्टोन्स होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं। एंड फिर यहाँ पर जयपुर का ट्रेडिशनल डांस हुआ था जिसमें मैंने भी थोड़ा सा डांस किया था। और इसे इंजॉय करने के बाद हम लोग अंदर म्यूजियम देखा हम लोगों ने। जब भी हम आए हैं लंच करने के लिए, बहुत लेट हो गए हैं लंच करने के लिए। तो अभी बज रहा है शाम का 5:15। हम आए हैं रेनबो रेस्टोरेंट।
उसके बाद पे हम लोग एक हैंडलूम की शॉप पे रुक गए थे, जहाँ पर आप लोग सभी जानते हैं कि जयपुर की रजाई काफ़ी फेमस होती है, चादर काफ़ी फेमस होती है। तो यहाँ से कुछ मैंने रजाई और चादर देखी, बट परचेज नहीं की, बिकॉज रेट्स सब जगह बहुत अलग अलग थे, तो समझ नहीं आ रहा था। एंड ये था जयपुर का नाइट का व्यू, पिंक सिटी का, जो ओल्ड जयपुर है, आप लोग देख सकते हैं। जयपुर में ट्रैफिक बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे, तो हम लोगों ने उसके बाद में गाड़ी कहीं पार्क कर दी थी। उसके बाद जो हमको शॉपिंग करनी थी, फिर हम लोगों ने ऑटो करके की। आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर नाइट का व्यू लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जौहरी मार्केट। यहाँ तो यहाँ पर हम लोगों ने मार्केट में एंटर किया और कुछ शॉप्स देखी जो हमें देखना था, वो हम लोगों ने परचेज किया। यहाँ पर फिर हम पहुंच गए हैं एक फेमस मिठाई की दुकान पर, जो कि है सांबर की मशहूर फेनी वाला। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत फेमस मिठाई यहाँ की फेनी, घेवर, यहाँ के दूध के लड्डू, मक्खन बड़े, एवरीथिंग शुद्ध घी में बनता है, देसी घी में। आप लोग देख सकते हैं घेवर कितने सारे रखे हुए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ परचेज किया, फिर हम लोग निकल गए आगे, एक और गजक की फेमस शॉप है वहाँ के लिए। तो आप लोग ये व्यू देखिए, कितना खूबसूरत जयपुर लग रहा है, बिल्कुल लाइट ही लाइट, और बिल्कुल कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं जयपुर की खूबसूरती। उसके बाद हम लोगों ने ऑटो किया, फिर हम लोग निकल गए हमारे नेक्स्ट शॉप के लिए, जहाँ की गजक फेमस है, गजक परचेज करने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं नारायण जी गजक वाले, जो कि बहुत फेमस गजक है जयपुर की। तो चलते हैं गजक लेते हैं। ये शॉप है यहाँ की। तो यहाँ से हमने कुछ गजक परचेज की, जो कि बहुत ही डिलीशियस थी, बहुत यमी थी। उसके बाद में फिर हम लोग निकल गए थे। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे जयपुर में लाख के कड़े, लाख की चूड़ियाँ बहुत फेमस है। तो बहुत लेट हो गया था, तो एक आंटी मुझे मिली थी रोड साइड, तो यहाँ से मैंने कुछ लाख की चूड़ियाँ परचेज की हैं, और बहुत सुंदर थी, काफ़ी अच्छे से उन्होंने बार्गेनिंग भी करी, बार्गेनिंग भी होती है, तो मैंने यहाँ बार्गेनिंग भी करी थी। और कुछ अपने लिए लिया, कुछ रिलेटिव्स के लिया, और फिर उसके बाद में मैं निकल गई थी अपने होटल के लिए। रास्ते में हमें मिला सिर्फ हवा महल, और हम लोग यहाँ रुके थे आधे घंटे के करीब। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये नाइट में, और ब्यूटीफुल लग रहा है नाइट में। अगर आप हवा महल जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज दिन में बहुत क्राउड रहता है, बिल्कुल भी आप लोग अच्छे से फोटोज़ क्लिक नहीं कर सकते, और बहुत रश रहता है, गाड़ी लगाने के लिए भी पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप जा रहे हैं तो आप नाइट में जाएं, तो आपको ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया।